प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स। जितनी सक्सेस मिली है प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड में शायद ही किसी को मिली हो। और आज है बॉलीवुड क्वीन का बर्थडे, जो अब रूल कर रही है हॉलीवुड में भी। और इसी मौके पर हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो है प्रियंका के है बहुत ही अजीज, भले ही अब वो इस दुनिया में ना रहे हो, और वो है उनके पिता लेट डॉक्टर अशोक चोपड़ा। प्रियंका अपने पिता से इतना प्यार करती है कि उन्होंने अपने रिस्ट पर एक टैटू करवा रखा है, डैडीज लिटिल गर्ल। खैर, प्रियंका के पापा के लिए भी वो नहीं थी किसी प्रिंसेस से कम, और उन्होंने प्रियंका को किया पैम्पर इन द बेस्ट वेज पॉसिबल। तो चलिए आपको बताते हैं उनके पैम्परिंग की यही किस्से। जब प्रियंका सिर्फ 5 साल की थी, तो उन्होंने अपने पापा को किया था एक सवाल, उनको अपने घर के नेम प्लेट के पास ले जाकर। प्रियंका ने उन्हें बोला कि जब वो भी इस फैमिली का हिस्सा है तो उनका नाम क्यों नहीं है नेम प्लेट पर। तब उनके पापा ने अगले ही दिन नेम प्लेट पर उनका नाम लिखवाया, उनकी क्लास अपर केजी के साथ। दैट इज अडोरेबल, राइट? प्रियंका की ग्रैंड मदर उनको टीनेज से हमेशा कहती थी कि वो खाना बनाना सीख लो, वरना तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। तब लेट डॉक्टर अशोक चोपड़ा ने एक अच्छे फादर की तरह उनको बोला कि प्रियंका को कोई जरूरत नहीं कुकिंग सीखने की, क्योंकि वो बनेंगी अपने करियर में बहुत ही सक्सेसफुल, और शादी के बाद वो प्रियंका के साथ भेज देंगे एक कुक। वी डेफिनेटली नीड सम मोर फादर्स लाइक हिम इन द वर्ल्ड। बचपन में प्रियंका को सिंड्रेला की कहानी बेहद पसंद थी, और उनके पापा उनको चिढ़ाते थे बंदरेला, क्योंकि वो थी काफी क्लमजी। एक दिन प्रियंका को रोना आ गया उनके पापा के ऐसे चिढ़ाने से। तब उन्होंने प्रियंका को अपने पास बैठा कर कहा कि तुम्हें किसी और के जैसा क्यों बनना है, तुम यूनिक हो। Why do you want to fit in a glass slipper when you can break glass ceilings? प्रियंका के जहन में ये बात ऐसी बैठ गई कि आज तक प्रियंका ब्रेक कर रही है ग्लास सीलिंग्स। क्या आप जानते हैं, प्रियंका के फादर की थी एक कंडीशन उनकी शादी के लिए। प्रियंका के बर्थडे पर उनके पापा ने दिया था उनको एक बहुत बड़ा सॉलिटेयर, और कहा था कि जो लड़का स्टैंडर्ड को कर पाए मैच, वही बन सकता है प्रियंका का हस्बैंड। वैसे प्रियंका आज भी पहन रखती है अपने इस पापा के दी हुई रिंग को। वेल, क्या निक जोनस कर पाएंगे उस सॉलिटेयर के स्टैंडर्ड को मैच, ये तो देखना दिलचस्प होगा। बरेली में प्रियंका जब एक टीनेजर थी, तब उनके पीछे पड़े थे काफी लड़के, और इसी के चलते प्रियंका के साथ हो गया था एक डरावना इंसिडेंट, जिसमें एक लड़का पाइप से चढ़कर उनकी बालकनी तक चढ़ गया। तब उनके पापा बन गए थे उनके लिए काफी प्रोटेक्टिव, और एक ही दिन में उन्होंने घर के आसपास सिक्योरिटी के लिए लगा दिए थे रॉड्स। वेल, दैट्स वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ प्रियंकाज फादर। प्रियंका का कहना है कि उनके पिता थे उनके सबसे बड़े फैन, और लेते थे उनकी लाइफ की हर चीज में इंटरेस्ट। और जिस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने अपने निधन से पहले पढ़ी थी, वो थी मैरी कॉम, और उन्होंने प्रियंका को कहा था कि बेटा, ये करना तो हीरोइन जैसा नहीं, बल्कि एक रियल इंसान की तरह करना, और प्रियंका ने वैसे ही किया, और मैरी कॉम में जान दी थी अपनी परफॉर्मेंस से। तो बॉलीवुड नावर्स, आपका क्या कहना है प्रियंका और उनके पापा के बॉन्ड के बारे में, हमें अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए।